हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे, एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है जो राजस्थान रीट वालों के लिए, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, तो उसको लेके एक अपडेट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे और आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी राजस्थान रीट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ, रीट 2024-25 कह सकते हैं आप इसको। तो रीट एक पात्रता परीक्षा है जो कि वहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है। इसका एक जो एग्ज़ाम है, ये एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि राजस्थान में एक आप शिक्षक बन सकते हैं ग्रेड 3 की। तो इसके लिए नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन का अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ कि आपका नवम्बर के सेकेंड वीक, ठीक, नवंबर के सेकंड वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्या रीट की। और वहीं बात करें, लगभग इसके जो फॉर्म है अप्लाई करने के लिए, आपको बता दूं मैं, ये आपको लगभग एक महीना का डेट मिलेगा। कितना? वन मंथ का डेट मिलेगा, वन मंथ का आपको डेट मिलेगा। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप, मतलब अगर हम मान के चलते हैं, अगर ये 14 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो लगभग आपको समझ लीजिए ये 14 दिसंबर तक इनका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। एक महीना का बात यही होता है कि अगर ये एक महीना फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट देते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको क्या 14 दिसंबर या 15 दिसंबर तक आपको इसके फॉर्म अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो एग्जाम डेट है उसको भी बात कर लेते हैं, उसको भी लेके मैं बात बता देता हूँ आपको। इसकी एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं, रीट का जो एग्जाम डेट को लेके बात चल रही है वो आपका जनवरी, ठीक है, जनवरी के थर्ड वीक में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। अभी तक जो निकल के आया है भाई कि आपका जो रीट का एग्जाम होगा वो कब होगा, जनवरी के थर्ड वीक में आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अभी ऐसा टेंटेटिव डेट डिक्लेयर किया गया है वहां के द्वारा। और ये भी चीजें बताई गई हैं कि भैया, अगर राजस्थान पात्रता परीक्षा, अगर आप रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे, तभी आप जो शिक्षक भर्ती, वहां की जो वैकेंसीज आई हैं, तभी आप उसमें क्या, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात करें शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो अगर आप ये रीट की जो परीक्षा है वो पास कर लेते हैं, तो आपको क्या, जो अभी टीचर की वैकेंसीज है वहाँ पर वो रिव्यू कर रहे हैं उस पर कि कितनी वैकेंसीज खाली है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट हैं, वहाँ पर ये भी बातें चल रही हैं। और सारे जो वैकेंट पोस्ट है उसका डाटा आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसकी परीक्षा, जो रीट की परीक्षा है, आप अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए कि आपको इसको क्वालिफाई करना ही है, अगर आप राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं। अब उसकी बात करा दूँ आपको, उसको बात भी बता दूँ मैं आपको कि जो सीडीपी और ईवीएस का सेक्शन है, सीडीपी और ईवीएस का सेक्शन है, ये आपको मैं कराऊंगा अपने चैनल पे ही। जो राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा है, इसका जो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी या बाल विकास कह लीजिए, उसकी बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। और वहीं बात करें ईवीएस की भी, ईवीएस जो आपकी ईवीएस है उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, आप इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक एक अच्छा कंटेंट आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और वहीं बात करें तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियोस में अगर कोई न्यूज़ अपडेट होगी राजस्थान रीट को लेकर। लेकिन यही अपडेट था जो अभी तक मैंने आपको बताया। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।